हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अमेजिंग किचन टिप्स बताऊंगी। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह की कोई किचन टिप्स हो तो हमें इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम अपने चैनल पर इसे दिखा सकें, आपकी किचन दी हुई किचन टिप्स को। देखिए, ये मैंने गेहूँ लिया है, गेहूँ मैंने धुल लिया था। धुलने के बाद हमने इसे सुखा लिया है, थोड़ा कम सूखा हुआ है, तो मैं इसे, बरसात का सीज़न है, इसकी दलिया बनानी है, तो हम इसे थोड़ा भून लेंगे ताकि हमारा गेहूं रोस्ट हो जाए। रोस्ट गेहूं अच्छी तरह से रोस्ट हो गया, 6 से 7 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पे थोड़े देर भूनना होगा, क्योंकि गेहूं गीला है। अगर गेहूं सूखा हो तो आप इसे 2 मिनट तक तेज फ्लेम पर भूनिए, उसके बाद फ्लेम कम कर दीजिए, यानी लो फ्लेम पर आप 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से भून लीजिए। गेहूँ मैंने भून लिया है, इसे अब हम ठंडा होने देंगे। हमारा गेहूँ ठंडा हो चुका है, हमें दलिया बनाना है। दलिया हम बनाएंगे इसके साथ, इसकी जो भूसी वाला पोर्शन होगा उसका हम आटे में यूज़ करेंगे। मैं आपको इसकी दलिया बताऊंगी ग्राइंडर में। पहले हम गेहूं को अपने ग्राइंडिंग जार में निकाल ले रहे हैं और उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से, गेहूं क्योंकि ठंडा हो चुका है, हम इसे पीसेंगे। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, थोड़ा सा इसे चलाना है और उसके बाद ये मोटा मोटा पीस जाएगा। देखिए, इस तरह से हमने दलिया काफ़ी बनाकर तैयार कर लिया गेहूं भूनकर। अब आपको दिखाऊंगी इसे मैं कैसे हम चालेंगे। हमने एक बर्तन लिया है, कढ़ाई मैंने ली है, और देखिए इस तरह, क्योंकि ज़्यादा हमें छानना है, सब तरफ फैले ना, इसलिए हम इसे ले लिए हैं। और इसमें मैंने आटा चलनी लगाई है और हम इस तरह करते हुए आटे को पूरी तरह चाल लेंगे। और ये जो पोर्शन निकला है, ये देखिए हमारी दलिया का पोर्शन है, जो पतला पोर्शन है उसे हम आटे के लिए यूज़ कर लेंगे। ये मैं दलिया बनाऊंगी इसे, और ये आपको दिख रहा है, ये आटे में हम मिक्स कर लेंगे और इसे रोटियां बनाएंगे। रोटियां इसकी बहुत ही हेल्दी बनती है। इसका आप कलर देखिए, वाइट नहीं है जिस तरह हमारे आटे का कलर होता है, क्योंकि इसमें पूरी भूसी है और ये भुना हुआ आटा है। अगर आपको हमारी ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आटा बहुत ही हेल्दी होता है। अक्सर जो शुगर पेशेंट हैं, हाई बीपी वाले हैं या कोलेस्ट्रॉल वाले, उन पेशेंट्स के लिए ये आटा बहुत ही कारगर होता है। और कब्ज जिनको रेगुलर होती है, वो इस तरह के आटे, प्लेन आटे में मिक्स करके अगर रोटी खाएं तो उनके लिए काफ़ी हेल्दी होगा। किचन टिप्स सेकंड में देखिए, मैंने जीरा धुला था, जीरा अभी गीला ही है थोड़ा सा, और अब धूप चली गई है क्योंकि बरसात के दिन है, तो हमने इसे इस तरह रखा। थोड़ी सी भारी तले की आपको कढ़ाई यूज़ करनी होगी इसके लिए, और अगर आपका तला बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसे हम आसानी से हल्का सा रोस्ट कर सकेंगे ताकि इसके जो गीलापन है ये खत्म हो जाए और अच्छी तरह से हमारे जीरे जो हैं रोस्ट हो जाए। आप चाहें तो इसे हाथ से हिला सकते हैं, अभी तो ये ठंडा है, पर बाद में आपको चम्मच से इसे इस तरह से, या तो लकड़ी के आप चम्मच यूज़ कीजिए या स्टील का, ऐसे चलाते रहिए रेगुलर, ताकि चारों तरफ से हमारा जीरा भून जाए। 2 से 3 मिनट मैंने फ्लेम को तेज रखा है, क्योंकि अभी जीरे का अंदर का पानी सूखा नहीं है, उसके बाद फिर मैं फ्लेम कम कर दूंगी और इसे 3-4 मिनट लो फ्लेम पे करके सेम इसी कढ़ाई में हम छोड़ देंगे ताकि ये पूरी तरह से सूख जाए। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये जीरा जब गीला था और ये मैंने रोस्ट किया, तो देखिए इतना अच्छा हो गया। अब इसे हम ठंडा करने को छोड़ देंगे और आप देखिए इस तरह दबाएंगे तो ये टूट जाएगा। बहुत ही अच्छे से इसका पाउडर आप बना सकते हैं या इसे साल भर तक रख सकते हैं। ये टिप्स आपके लिए बहुत ही कारगर होगी, क्योंकि अगर हमें साल भर तक जीरे को रखना है या साल भर से ज़्यादा, तो उन्हें धुलकर सुखाकर हल्का सा रोस्ट कर दें तो इनमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और जब चाहें हम इनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, दलिया मिक्स बनाना है, ये तावेल जो है मैंने थोड़ा सा धुलकर रखा है, सुखाकर हल्का इस दलिया में से, और ये मैंने दालें ली हैं, दाल मिक्स दाल, अपने पसंद के अनुसार आप इसे डाल सकते हैं, जो भी दालें आपको मिले। ये देखिए, हम इसे इस तरह से पोंछ लेंगे। आप चाहें तो इसे धुलकर भी रोस्ट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा गीला ज़्यादा हो जाएगा, हम क्योंकि दलिया बनाते समय गेहूं भी धुला हुआ है और इस दलिया को धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा दाल ज़्यादा भी पिस जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह हम इसे कर ले रहे हैं, उसके बाद देखिए मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट करूँगी हल्का सा। अब हमने बाकी बची हुई भी अपनी दालें डाल दी और फिर इसे इसी तरह हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लिए हैं, क्योंकि हल्का ही गीला था कपड़ा, थोड़ा सा जिससे मैं पोछी हूँ, तो ये दाल हमारी पूरी तरह सूख गई। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा गीला हो तो आप क्या कीजिए कि इसे
आंच पे रख के रोस्ट कीजिएगा। देखिए दलिया तो हमने तैयार कर ली, इसके बाद इस दाल को भी हम डाल दे रहे हैं और उसके बाद इसमें हम 2 चम्मच करी पाउडर डालेंगे ताकि इसे हम पूरी तरह से अच्छे से तैयार कर दें, सिर्फ नमक डालकर पकाना रहे। ये 2 चम्मच डाला मैंने। हम आपको टिप नंबर 3 बताएंगे। देखिए मैंने करी पत्ता अच्छे से धुल लिया है, इसका पानी हम सुखा लेंगे अच्छी तरह से। पहले इन्हें हम तोड़ लें, तोड़ के फिर हम इन्हें कपड़े पे फैला लेंगे और इस डंठल को हम फेंकेंगे नहीं, इस तरह हम इन्हें तोड़ ले रहे हैं। तोड़ कर फिर हम इसी टॉवल पर फैला देंगे और आपको दिखा रहे हैं इस तरह से हम इस पर फैलाएंगे और ऐसे करके हम इसे पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद थोड़ी देर इसे हम छोड़ देंगे, बाद में हम इसे कंटेनर में रखेंगे। और ये जो डंठल है इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। ये टिप नंबर 4 होगी आपके लिए। इसे आप इस तरह निकाल कर रख दीजिए ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। ड्राई हो जाए तो ये टूथपिक का काम करेगी, जैसे हमारे दांत में कुछ फंस जाए तो फिर हम इसके द्वारा इसे निकाल सकते हैं। और अपनी करी पत्ते को इस तरह निकाल लेंगे। एक ही करी पत्ते का आप 2 यूज़ कर सकते हैं, इसे आप इकट्ठा करके रख लीजिए और इसे हम अच्छी तरह से ऐसे सुखा लेंगे। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में इसे रख देंगे। इसे पूरी तरह सूखना नहीं है, सिर्फ पानी ख़त्म हो जाना है। टिप नंबर 5 है, अगर आपके अमरूद हों या आप बाज़ार से खरीद रहे हो, टिप नंबर 5, अगर आप अमरूद बाज़ार से खरीद रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पेड़ में लगे हों तो भी आप इस तरह के पके अमरूद मत तोड़िएगा या तोड़ने से पहले इन्हें काट लीजिए। बरसात में देखिए हमेशा कीड़े लग जाते हैं, इसलिए आपको इन्हें तोड़कर फिर धुलकर काट कर देखना चाहिए। देखिए ये हैं हमारे थोड़े से कच्चे और इसमें देख लेंगे हम कि हमारे कीड़े लगे हैं कि नहीं। देखिए इस तरह से मैंने काटा और इन्हीं पोर्शंस को भी देखिए मैं चेक कर ले रही हूँ, बिल्कुल कीड़ा इसमें नहीं लगा। जैसे बरसात के दिनों में अमरूद गल जाते हैं यानी पक जाते हैं तो इनमें कीड़े ज़रूर लग जाते हैं। मैं आपको दूसरा भी अमरूद दिखा रही हूँ। काफ़ी अमरूद हमारे पक पक के गिर गए थे तो मैंने सोचा इन अमरूदों का कैसे हम यूज़ करें, तो मैंने देखा जब मैं कच्चे अमरूद तोड़ लेती हूँ तब इसमें कीड़े नहीं लगते। देखिए ये कीड़े लगे हैं थोड़े से, अगर ये पक जाएगा तो पूरी तरह सड़ जाएंगे। देखिए अभी कीड़े की शुरुआत थी तो इसे हमने इस तरह से चेक कर लिया। और जहाँ भी इस तरह के धब्बे हो आप ज़रूर काट के देख लीजिए, क्योंकि बरसात के दिनों में देखिए ये कीड़ा लग रहा था। अगर ये पका होता हमारा अमरूद तो कीड़े पूरी तरह इसे खा लेते और ये हमारे खाने लायक नहीं होता, मतलब इसमें के अंदर बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। इस तरह मैं अब दूसरा आपको अमरूद दिखा रही हूँ। देखिए इन्हें भी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल कीड़े जैसे लग रहे हैं पर अभी कीड़े लगे नहीं हैं। और इन्हें हमें इस तरह से निशान अगर बना है तो इन्हें चेक कर लेना चाहिए, ये निशान जो है बाद में अंदर की तरफ जाएगा तो पूरी तरह कीड़े लग जाएंगे इसमें। इसे भी हम कट कर ले रहे हैं। इस तरह हमें अमरूद को रेगुलर जब बारिश के दिन में खाना है तो इन्हें चेक कर लेना चाहिए, या तो आप इनके छिलके निकाल लें तो आपको ज़रूर पता चल जाएंगे कि आपके अमरूद कहाँ से ख़राब हैं। इस तरह से आप पूरे छिलके निकाल लीजिए तो आपके अमरूद आपको पता चल जाएंगे। ये हमारी ट्रिक्स है, ट्रिक नंबर 5। इसमें कितने खून टहल रहे हैं और इन खूनों को अब मैं निकालूंगी बाहर। देखिए कैसे, इसके लिए आप चाहें तो इसे कढ़ाई में गर्म करके निकाल सकते हैं उसके बाद साफ करके। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कढ़ाई में थोड़ा सा भूनते हुए इस दाल को। मैंने कढ़ाई में दाल रख दी है, दाल गर्म हो रही है। आँच में हम दाल को इस तरह चलाते हुए ऊपर नीचे करेंगे ताकि इसके अंदर का खून मर जाए। मरने के बाद फिर हम इसे छन्नी से चाल के निकाल देंगे। एक तो ये तरीका है और मैं फिर आपको दूसरा तरीका बताऊंगी, क्योंकि ये जब हम भून लेंगे तो इसके अंदर के घुन मर जाएंगे, उसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे वो आपको बताएंगे। अगर आपके पास पूरी ज़्यादा दाल हो और बहुत दिनों के लिए रखना है तो आप पहले इन्हें रोस्ट कर लीजिए और रोस्ट करके फिर क्या करेंगे इन्हें ठंडा करेंगे और इन्हें छन्नी के द्वारा साफ करेंगे ताकि जो मरे हुए घुन हैं वो बाहर आ जाए। देखिए घुन लगी हुई दाल को हमने ठंडा कर लिया, अब इसे हम छान लेंगे। इसके अंदर से देखिए आपको घुन दिख रहा होगा नीचे और थोड़े से बुरादे, ये पूरी तरह घुन इसी तरह हम निकाल लेंगे बाहर और इस तरह हम सारी दालें बाहर निकाल लेंगे। और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लेंगे, आपके पास अगर ज़्यादा हो तो आप दवा भी डाल सकते हैं। अगर आपको दाल सिक्योर करने का ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।